अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 24 दिसंबर 2022 बरोज़ शनिचर को हालात हाजरा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि बग़ौर समात फरमाएंगे। सबसे बड़ी खबर आज की चाइना के ताल्लुक़ से है कि चाइना में जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तो यही दिसंबर का महीना था 2019 में, और हम लोग करंट अफेयर उस वक्त पढ़ते थे, वीडियो नहीं बनाते थे, तो रोज़ाना न्यूज़ सुनते रहते थे। लेकिन इंडिया में उतना कोई सीरियस नहीं ले रहा था, और पहले ये पहला मौका था तो इस लिहाज से लोग इसके अंदाज़ा भी नहीं लगाए हुए थे। लेकिन फिर जनवरी फरवरी मार्च के महीना आते आते इंडिया में भी फैलना शुरू हो गया, और समझिए कि 20 मार्च के बाद 23-24 मार्च को ये एक लॉकडाउन लगा। तो सब लोगों को मालूम है कि ये कोरोना कहाँ से फैला था, चाइना से फैला था, और 3-4 महीना बाद इंडिया में भी फैल गया, फिर पूरी दुनिया में, और कोरोना का जो है कहर पूरी दुनिया ने महसूस किया, झेला। अब ये मामला आया है कि पूरी दुनिया में अभी तो थोड़ा सा आराम है, लेकिन चाइना में दोबारा ये हो गया है। जबकि चाइना का कहना यह था कि मैं जितना सीरियस लिया हूँ इसको और अहसन तरीके से इसको मैनेज किया, कोई किया ही नहीं है, ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाया था कि एक भी मतलब कोरोना पेशेंट को नहीं रहने देना है, मतलब फ़ौरन लॉकडाउन लगा देते थे और उसको जब तक ये नहीं करते थे सील लगते थे। अब उससे लोग क्या हुए कि तंग आ गए, घर में रहते रहते लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया, और वैक्सीन भी शायद इनका काम नहीं किया। तो अब फिर नवंबर के महीने में एक दो हादसात हो गए वहाँ पे, जिसके वजह से चाइना के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया कि लॉकडाउन ख़त्म करो। अब एक तो प्रेशर भी बनना था, लोग तंग भी आ गए थे, मईशत के लिहाज से भी चाइना डाउन जा रहा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग का जो है नया टर्म शुरू भी हो गया था। तो अब पूरा जो है चाइना का माँ बाप वो अकेला बना हुआ है, तो अब कोई सवाल करने वाला भी नहीं था। तो इस लिहाज से उसने चाइना को अचानक ओपन कर दिया, उसके वजह से अब रिपोर्ट आ रही है कि बेतहाशा कोरोना फैल रहा है। वेस्टर्न मीडिया ख़ासतौर से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में 3,70,00,000 लोग अफेक्ट हुए हैं, गरचे उसके जो है सीरियसनेस कम है, 16% को ही ज़्यादा सीरियस है, बकिया जो है माइनर है। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग रोज़ाना अगर जो इफ़ेक्ट होने लगें तो फिर जो है मेडिकल जो स्टाफ हैं या इस इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कितना दबाव पड़ जाएगा। बीमारी कोई भी हो, कैसी भी हो, लेकिन अगर उसको प्रॉपर दवा ना मिले, उसका जो ट्रीटमेंट ना हो, तो फिर वो मर्ज़ बढ़ जाता है। और ख़ास तौर से अगर इतनी बड़ी तादाद में ये हो तो फिर जो उम्र दराज लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत रहती है। कहा जाता है कि ये 3 महीने में 80 करोड़ लोग चाइना में अफेक्ट होंगे। ये कोरोना का जो एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसका समझे कि BF7 ये फैलना है, और अंदाज़ा लगाया जाता है कि 10 लाख लोगों की मौतें होंगी। अब फिर पूरी दुनिया में जो फैलने का अंदेशा है तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इसके वजह से इंडिया में भी जो है लोग या गवर्नमेंट भी जो है होशियार होना शुरू हो गई है, अलार्मिंग दे रही है, और मॉक ड्रिल भी करने का जो फैसला किया है, 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल है पूरे इंडिया में कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं इसको टैकल करने के लिए। तो अब ये देखिए कि वेस्टर्न मीडिया तो ऐसे भी चाइना को बदनाम करने के लिए भी कोशिश करती है, लेकिन बदनाम करने के लिए भी अगर कुछ मटेरियल ना हो तो फिर यकीनी बात है कि वो न्यूज़ नहीं बनती है। तो अब यह है कि बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा होगा, लेकिन सूरत हाल कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी ये न्यूज़ बन रही है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि चाइना जो है अड़ा हुआ था, ईगो वाला है कि हम अमेरिका के टक्कर की बात करते हैं। तो वैक्सीनेशन में ये था कि हम वैक्सीनेशन लगा दिए हैं, लेकिन शायद वैक्सीनेशन में कुछ कमी रह गई होगी, तो अब ये दूसरे से मांग ही नहीं रहा था। लेकिन अब यह पता चला है कि वो जर्मनी से जो है वैक्सीन लेने की बात कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वैक्सीन खुद चाइना ने बनाया था और हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो फिर जर्मनी से वैक्सीन लेने की ज़रूरत क्या है। तो उससे जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कितना भी मीडिया को कंट्रोल किया जाए बात वाह बाहर आ ही जाती है, और ख़ास तौर से मौत की बात को तो कोई छिपा नहीं सकता। अब इंडिया में जो है एक सियासी काफ़ी उथल पुथल, थोड़े से सियासत में जान आई है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से, और जब उसका आगाज़ हुआ था तो लोग उतना सीरियस नहीं ले रहे थे क्योंकि लग रहा था कि बस वो चल ही नहीं पाएगा। लेकिन वाकई में ताज्जुब की बात है कि कन्याकुमारी से वो आज दिल्ली पहुँच गया है, और 24-25 किलोमीटर रोज़ाना चलना मामूली बात नहीं है। हम लोग 1-2 किलोमीटर चलते हैं, हालत ख़राब हो जाती है, कई दिन आराम करते हैं, लेकिन तकरीबन रोज़ाना के बेस पर चलना ये काफ़ी मतलब हिम्मत की बात है, और ये जो है फिटनेस की बात है। तो अब उसका जो है जो कोई भी नेता है, कोई भी सियासतदान है,
तो उसके लिए पब्लिक के लिए अपने आप को वक्फ करना पड़ता है और कुर्बानी देनी पड़ती है, तो लोगों की सिंपैथी जो है जागती है। तो राहुल गांधी का तो बैकग्राउंड था ही, लेकिन लगता था लोगों को कि सीरियस नहीं है, शहज़ादा है, लेकिन इस चलने से लोगों को लगा कि वो सीरियस भी है और शहज़ादा के साथ साथ जो है वक्त आने पर वो स्ट्रगल करने वाला भी है। तो अब जो है उसकी पॉपुलरिटी बढ़ती चली जा रही है और अभी तो आप देखेंगे कि आज दिल्ली में लाल किला में वहाँ पर उसका जो है ब्रेक लगना है 23 से लेकर के 2 जनवरी तक, और कुछ आराम वगैरह होना है। उसके बाद फिर 3 जनवरी से ये यात्रा शुरू होगा और कश्मीर में जाके ख़त्म होना है। तो इस लिहाज से दिल्ली में तो काफ़ी भीड़ आई हुई है और जितने भी नौजवान बेरोज़गार वगैरह हैं सब जमा हो जा रहे हैं, जितने भी अपोजिशन के लीडरान हैं, ख़ास तौर से जो टैलेंटेड लोग हैं, योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत भूषण हैं, ये सब जो है उसमें शामिल हुए हैं। तो ये बीजेपी के लिए जो है काफ़ी कान खड़े कर देने वाली मुसीबत। अब बीजेपी में अंदर जो है खुद कन्फ्लिक्ट है, मोदी शाह गुजरात लॉबी और बकिया जो संघ उसमें थोड़ा सा मामला चल रहा है। तो इस लिहाज से राहुल गांधी के लिए भी विन विन सिचुएशन है। अब आप देखिए कि इसको बीजेपी वाले एक अलग मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन उसकी सफाई देनी पड़ रही है। अब ये देखिए इमेज जब आदमी की बन जाती है तो उसको झेलना पड़ता है। बीजेपी का बड़ा बड़ा जो है पॉलिटिकल लीडर कह रहा है कि ये ब्रेक लगाए हैं तो अब राहुल गांधी इस ब्रेक के दरमियान क्या करेंगे, बाहर क्या यात्रा करेंगे, इसीलिए ब्रेक लगाएं। अब जयराम रमेश जो इसका समझे कि ये भारत जोड़ो यात्रा का सबसे ज़्यादा जो है माइंडेड आदमी है, जिसने गाइड कर रहा है, वो मीडिया पे आके कह रहा है कि अगर इस दरमियान में राहुल गांधी विदेश यात्रा करेंगे तो मैं पब्लिकली आकर के माफ़ी मांगूंगा, और अगर नहीं करेंगे तो जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो माफ़ी मांगेंगे। अब मैं समझ रहा था कि भाई अगर बाहर यात्रा करेंगे तो इसमें माफ़ी मांगने क्या बात है, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक इमेज बन चुकी है कि राहुल गांधी वक्तन फवक्तन जो है बाहर का दौरा करते रहते हैं, ख़ास तौर से बैंकॉक वगैरह का। अब बैंकॉक वगैरह किस लिए बदनाम है तो आप जानते हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने भी कोट भाषा में ही बात की कि अगर वो बाहर का दौरा करेंगे तो मैं माफ़ी मांगूंगा। तो ये जो है पॉलिटिकल लीडरान को जो है बहुत क्लीन इमेज रखना चाहिए और सीरियस रहना चाहिए। इंडिया में कल एक हादसा भी हो गया, सिक्किम में एक आर्मी का ट्रक जो है खाई में गिर गया, 16 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के करीब एक जो है सुसाइड अटैक हो गया, उसमें एक की मौत हो गई। इराक की बात अगर करें तो कल वहाँ पर इटली की जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है जॉर्जिया मेलोनी, वो विजिट पर आई थी और इराक के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अस्सुडानी से मुलाकात की। अब ये इटली के प्राइम मिनिस्टर जो इतना हार्ड स्टांस रखती है माइग्रेशन के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़, अब वो इराक गई है, तो हर आदमी जानता है कि अभी रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से यूरोप की एनर्जी की हालत ख़राब है और इराक जो है एक एनर्जी रिच कंट्री है, तो उसके वजह से वो दौरा की है। रशिया यूक्रेन की बात करें तो रशिया यूक्रेन में फर्स्ट मरतबा कल रशिया के सदर व्लादिमिर पुतिन ने ये इशारा दिया है कि हम जंग ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन अमरीका नहीं ख़त्म होने देना चाहता। तो और उसने कहा है कि जंग में किसी का फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है, और इसको जितना लंबा खींचोगे तो हमारा भी नुकसान होगा, तुम्हारा भी नुकसान होगा। और फिर ये भी इशारा दिया कि हम हारने वाला मुल्क तो नहीं है, मतलब आप जीत नहीं पाएंगे तो हरा तो नहीं पाओगे, जो तुम्हारा सपना है रशिया को तोड़ने का वो तो पूरा नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इस लिहाज से बेहतर है कि ख़त्म कर लो। लेकिन अमरीका के लिए विन विन सिचुएशन है, एक भी ब्लड ज़ाया किए बगैर और जो है रशिया को कमज़ोर किया जा रहा है। तो जैसे अफ़गानिस्तान में USSR को तोड़ने में कामयाबी मिली थी अमेरिका को मुजाहिदीन के ज़रिए से, तो वैसे ही ज़ेलेंस्की के ज़रिए से जो है रशिया को किसी भी नहज पर पहुंचाने के लिए बेहतरीन मौका है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका ने इसमें आप देखेंगे कि बजट वगैरह के अलावा बीच साल में $1.7 trillion US कांग्रेस से अप्रूव मिला, जो बाइडन को मिला है कि रिज़र्व बैंक से आप इतना कर्ज़ा ले सकते हैं खर्चा के लिए, 1.7 trillion, तब इतना अप्रूव हो गया। अब उसमें से $45 billion उन लोगों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए अप्रूव कर दिया है। तो आप समझिए कि यूक्रेन का जो सदर है व्लादिमिर ज़ेलेंस्की को गदगदा गया है, और अमेरिका से जो कामयाब दौरा करके आया है तो अब यूरोपियन यूनियन वाले भी उसको अपने यहाँ बुला करके तकरीर करवाएंगे पार्लियामेंट में। तो यह समझिए कि फरवरी में उसका यूरोपियन यूनियन से खिताब होगा, यानी ये बड़े ऑनर की बात होती है कि अमेरिका के कांग्रेस में कोई खिताब करे, यूरोपियन यूनियन में कोई खिताब करे। तो अब ये देखिएगा कि इससे पहले जो है वीडियो कॉल हर जगह करता था, अब हर जगह वो फिज़िकल करेगा, तो ये ताकि उसका मोराल जो है वो बूस्ट रहे। अब आप सोचेंगे कि रशिया को ठीक है एक तरह से हार ही मान रहा है कि भाई
अब बस करो इतना पे, थोड़ा निगोशिएशन करो और जो है फेस सेविंग दो हमको और हम जो है कुछ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है। तो अमेरिका चाहता क्या है रशिया से? एक तो यह है कि रशिया के ताल्लुक से देख रहा है अमेरिका, जो इस बात समझ में आती है कि कोई गिर रहा है तो अच्छी तरह गिरा दो जितना गिरा सकते हैं। अब उसमें एक ये है कि अमेरिका फर्स्ट ये मतालबा ये दिली ख्वाहिश रखता होगा कि इतना ज़्यादा जो है उसको डीमोरलाइज़ कर दिया जाए कि वहाँ की आवाम पुतिन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए और उसको एक मज़बूत जो लीडर मिला हुआ है वो लीडर लेस कंट्री हो जाए। लीडर लेस कंट्री अगर हो जाए तो फिर उसको जो है ज़ब पहुँचाना बहुत आसान हो जाता है। तो पहला तो ये है। अब अगर इसमें कामयाबी नहीं मिलती है, देखिए जंग लंबा खिंच जाएगा तो रशिया का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चारों तरफ से घिर गया है, ऑयल नहीं बिक रहा है, गैस नहीं बिक रहा है, हथियार नहीं बिक रहा है और कारोबार नहीं हो रहे हैं। अभी आप देखिए ऐलान किया है कि हम जो है ऑयल प्रोडक्शन में भी कट करने जा रहे हैं 5-7%, क्योंकि ऑयल कैप लग गया है। तो उसने कहा कि ऑयल कैप को तो मैं नहीं मानूंगा, इससे बेहतर है कि मैं प्रोडक्शन ही नहीं करूँगा। तो अब ये जो है बहुत लंबे अरसे तक जो है ये झेल नहीं पाएगा रशिया, क्योंकि यूक्रेन को तो भर भर के लोग मदद दे रहे हैं, रशिया को तो कोई मदद नहीं दे रहा। तो इस लिहाज से एक तो अमेरिका यह है कि हम डूबेंगे डूबेंगे लेकिन तुमको ले डूबेंगे। और अंगेला मार्केल ने बहुत पहले कह दी थी कि ये देखिए यूक्रेन की जो जंग है ये वेस्ट आज से नहीं काफ़ी अरसे से जो है तैयारी कर रहे थे और उसको तैयार कर रहे थे कि तुमको रशिया के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। तो ये समझिए 2014 से फुल फ्लेज प्लानिंग चल रही थी। और रशिया अगर अटैक नहीं करता तो यूक्रेन अटैक कर देता रशिया पर। यही बात जो व्लादिमिर पुतिन भी कहता है अपने लोगों को कि बात समझने की कोशिश करो, हमारे और अमेरिका की दुश्मनी पुरानी है और यूक्रेन उसके लिए 1991 में जब टूट के बना था उसके बाद से वो उसका कंधा बनने लगा था। तो अटैक इज़ बेस्ट डिफेंस के तहत हमने अटैक किए हैं, वो अगर हम हमला नहीं करते तो वो हम पर ज़रूर हमला कर देता, क्योंकि वो इतना बड़ा मुल्क देखना नहीं चाहता वेस्ट। तो इस बात में लॉजिक है। तो अब यह है कि एक तो अमेरिका का मुतालबा यह है कि इस जंग को इतना तूल दे दो कि वहाँ के आवाम इतने ज़्यादा सड़कों पर आ जाए कि व्लादिमिर पुतिन को खुद उठा कर फेंक दे। जैसे USSR में हुआ था, अफगानिस्तान को इतना मदद दिया गया कि USSR कलप्स कर गया। आप जानते हैं कि USSR वाले 1979 में घुसे थे अफगानिस्तान में और 10 साल में वहाँ से निकले थे, लेकिन 10 साल तक अमेरिका मदद करता रहा, अफगानिस्तान को मदद करता रहा पाकिस्तान के ज़रिए से। तो इसी तरह से ये दूसरा मुतालबा यह है कि मतलब ख्वाहिश यह है कि अमरीका के ठीक है 2-4 साल खिंच भी जाए और पुतिन सस्टेन भी कर जाए, अड़ा रह जाए और कंट्रोल रखे, तो उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया जाए, इतना ज़्यादा काउंटर कर दिया जाए, इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाए कि फिर जब हम मिडिल ईस्ट में जब जिसको भी हमसे पंगा हो उसको सबक सिखाने जाएं तो ये जो है फिर बॉस बन करके आगे खड़ा ना हो जाए। जैसे बराक ओबामा सीरिया में घुसना चाहता था और रशिया आकर के खड़ा हो गया कि नहीं हम घुसने देंगे। तो इस तरह कल सऊदी अरब हो या पाकिस्तान हो या ईरान हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो, किसी को भी हम सिखाने आए तो ये दादागिरी करते हुए नहीं आ जाए, नहीं हम नहीं होने देंगे। यानी ये बाईपोलर वर्ल्ड हमको नहीं चाहिए, आइदर विथ अस और अगर। तो ये हैसियत जो है जो रशिया की बन गई थी व्लादिमिर पुतिन की तरक्की के दौर में, ये हैसियत से मजबूर कर देना चाहता है कि एक तो रशिया की ये हैसियत ना रहे कि इंटरफेयर करे हमारे सामने, और नंबर दो दूसरे जो छोटे ममालिक हैं उनको कॉन्फिडेंस ना रहे कि अगर हमने अमरीका को आँख दिखाए तो रशिया हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, रशिया को उस लायक छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये दो जो है पॉलिसी पर अमेरिका जो है पूरा आगे बढ़ा नेटो को लेकर के कि रशिया को तो अब एक मरतबा फंस गया है तो इसको निकलने नहीं देना है। तो अब देखिए कि आगे क्या होता है। अब क्रिसमस के मौके से यूक्रेन ने धमकी भी दिया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि क्रिसमस के मौके पर जो है हमला तेज़ मत कर देना, नहीं तो इसका कंसिक्वेंस भारी होगा। और अपने आवाम को ये पैगाम भी दिया है कि इसमें होशियार भी रहें, एक दूसरे को कोऑपरेट भी करें। रशिया ने भी अमरीका कहा कि ये बेटा तुम मदद नहीं कर रहे हो, ये एक तरह से मुझसे प्रॉक्सी वॉर कर रहे हो। अब प्रॉक्सी वॉर का फिर जो नतीजा जो निकलता है वो जान लो कि फिर हम डायरेक्ट तुमसे उलझ जाएंगे, तो फिर जो है ना तुम जीतोगे ना हम जीतेंगे। तो प्रॉब्लम एंड पे खड़े मत हो, सॉल्यूशन एंड पे आ जाओ और जो है कोई रास्ता निकालो। तब ये सूरत हाल थी, तो मैं सोचा कि आज जो है आपसे शेयर करता हूँ। बकिया जो भी हालात रहेंगे वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।